दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते आईपीएल भले ही अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया हो, लेकिन मायूस फैंस को बीसीसीआई ने मुस्कुराने का एक और मौका दिया है। आनन फानन में एक विंडो बनाई गई और टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे का ऐलान किया गया। कप्तान कोहली, उप कप्तान रोहित समेत टीम इंडिया के शीर्ष खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर व्यस्त होंगे, तो ऐसे में जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और इतने ही T20 के लिए एक नई टीम बनाई जाएगी। अब इस सीरीज का ऐलान हो चुका है और जुलाई में टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर भारतीय टीम 13 जुलाई से वनडे और T20 सीरीज खेलेगी। दोस्तों, श्रीलंका दौरे पर जाने वाली इंडिया बी टीम में नए कप्तान और नए कोच होंगे, तो ऐसे में राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे ऊपर है जो इंडिया के कोच बन सकते हैं। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने जगह पर महान तो है ही, साथ ही खतरनाक भी हैं। राहुल द्रविड़ पहले ही अंडर 19 और इंडियन ए टीम की कोचिंग और मेंटरिंग कर चुके हैं, ऐसे में उनके लिए यह नई बात नहीं होगी, बल्कि उनके कोचिंग में भारत की बी टीम और भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन दुनिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी किसी से कम नहीं है। वे दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जो ICC का 3 खिताब भारत को दिलवाए हैं। साथ ही उनकी चतुर दिमाग का हर कोई कायल है, जो हारे हुए मैच को भी पलटने का मद्दा रखते हैं। दोस्तों, अगर धोनी टीम का कोच बनते हैं तो जाहिर है उनकी चतुर रणनीति कार्ड से टीम इंडिया को बड़ा फायदा होगा, और BCCI इस बात को बखूबी जानती है कि धोनी है तो इंडिया बी टीम भी श्रीलंका को क्लीन स्वीप करके आएगी, तो ऐसे में BCCI धोनी को भारतीय टीम का कोच बना सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।